पश्चिमी सिंहभूम जिले में एशिया के सबसे घने वनों में से एक सारंडा में अब हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल के कोर इलाके एवं आसपास के इलाकों की इंसानी आबादी से हाथियों को दूर रखने एवं हाथियों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले क्षति को कम करने में यह तकनीक मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए जंगल और आसपास के ग्रामों में एनाइडर्स लगाए जा रहे हैं। हाथियों के झुंड के गांव के निकट आते ही इनमें लगे जंबो हुटर्स बजने लगेंगे, जिसकी आवाज़ न सिर्फ हाथियों को वहां आने से रोकेगी बल्कि गांव वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रारेड से जुड़े खास इंस्ट्रूमेंट हाथी प्रभावित इलाके में लगाए जाएंगे, जो हाथियों को गाँव में जाने से रोकेंगे। सारंडा वन परमंडल के जंगल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल में पहले फेज में 47 लाख रुपये खर्च होंगे। वन विभाग द्वारा बताया गया कि पहले चरण में हाथियों प्रभावित 18 गांवों में एनाइडर्स लगाए जाएंगे। बेहतर परिणाम आने पर और भी जगहों में एनाइडर्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गांव में 6 एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर और 6 पैसिव इंफ्रारेड सेंसर भी लगाए जाएंगे।